हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां हर प्रकार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फोन नंबर 0657-232-0075। हेडलाइंस के प्रायोजक है रॉयल मेडिकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा मरीन ड्राइव में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के काफिले ने बच्चे को रौंदा, आक्रोशित बस्तीवासियों ने किया सड़क अवरुद्ध। मानसून की शुरुआत में ही खरकई और सोनरेखा उफान पर, निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराया। कपड़े जूते ज्वेलरी शॉप के खुल जाने से शहर की बाजारों में लौटी रौनक, दुकानदारों ने ली राहत की सांस। जंगली हाथियों के तांडव से चांडिल प्रखंड में दर्जनों गांव प्रभावित, विधायक सविता महतो ने बंटवाई राहत सामग्री। और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रांची टाटा मार्ग में निर्माणाधीन टोल ब्रिज का काम को करवाया बंद। और अब खबरें विस्तार से। कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव में गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक 10 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बस्तीवासियों ने मरीन ड्राइव मुख्य सड़क को घंटों अवरुद्ध कर दिया। कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव मुख्य सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्थानीय बच्चा पूरी तरह से घायल हो गया है, जिसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। घटना गुरुवार दोपहर की है, जब 3 से 4 की संख्या में स्कॉर्पियो कार मेरिन ड्राइव रोड में ओवरटेक कर रहे थे। वहीं स्थानीय 10 वर्षीय बच्चा आनंद देवगम सड़क के किनारे खड़ा था। ओवरटेक करने के क्रम में स्कॉर्पियो कार ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया और काफ़ी दूर तक उसे घसीट कर ले गया। वैसे मौके से टक्कर मारने वाली सभी गाड़ियां फरार हो गई। मौके पर घुसाए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। वैसे पुलिस द्वारा तत्काल बच्चे को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेजाया गया। सड़क जाम कर रहे लोगों ने बच्चे के इलाज और वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वैसे मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों समझाने बुझाने के बाद लोगों को सड़क जाम से हटाया। सुबह 11 बजे बच्चा खेल रहा था साइड में, 4 स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का BJP का झंडा लगा हुआ था, बहुत स्पीड से जा रहा था, बच्चा को ओवरटेक करने के चक्कर में बच्चा को मार के रगड़ के भाग गया गाड़ी। गाड़ी का नंबर हम लोग का पास है, जो आपको क्या नंबर है, गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर है आपका 0325-29। ये देखिए ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है, किधर से आ रहा है, कहाँ लगा बच्चा? बच्चों सिर में लगा, हाँ, और हाथ में लगा, पैर में लगा, तो माने गंभीर है थोड़ा सा। तो आप तुरंत लेके गए? हाँ, तुरंत लेके गए। कहाँ रहते हैं आप? हम कुसुम नगर घोड़ा चौक में रहते हैं। कुसुम नगर घोड़ा चौक में रहते हैं, मामा बोल रहे हैं। हाँ, कौन लगते आप? उसका मामा लगते हैं। अब तो मामा लगते हैं। बच्चा को तुरंत EMS लेके गए? हाँ, तुरंत लेके गए। ज्यादा गंभीर हालत कैसा है? हाँ, गंभीर थोड़ा सा है, थोड़ा सा, लेकिन ठीक होने का चांस है। नाम क्या बच्चा का? बच्चा का आनंद देवगम। पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है। एक्सीडेंट कौन सा गाड़ी किया? उधर शहर के बाजारों में अब पूरी तरह से रौनक लौट आई है। अनलॉक 5 में अब लगभग 2 माह के बाद कपड़े जूते कॉस्मेटिक और ज्वेलरी शॉप को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसे दुकानदारों में काफ़ी हर्ष व्याप्त है। कपड़े जूते ज्वेलरी शॉप की दुकानें खुल जाने से अब बाजारों में रौनक फिर से लौट आई है। 23 अप्रैल से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर शुरू हुए लॉकडाउन के कारण बंद कपड़े फुटवेयर ज्वेलरी और मॉल गुरुवार से खुल गए हैं, जहां पहले दिन कारोबारी दुकानों की साफ सफाई और नुकसान का आकलन करने में जुटे रहे। इधर जमशेदपुर के व्यवसायियों ने भी गुरुवार को अपने प्रतिष्ठानों की साफ सफाई की, साथ ही लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान का आकलन भी किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की, कुछ ने इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बातें भी कही। कुल मिलाकर गुरुवार से शहर के लगभग सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए, हालांकि शाम 4 बजे के बाद की रोक भी जारी रहेगी।
दुकानदारों ने बताया कि परिस्थितियां सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। आज खुला है तो क्या बोलना चाहती है? सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने दिनों के बाद हमारे जमशेदपुर में सभी दुकानें, चाहे वो कपड़े हो, जूते चप्पल हो या ज्वेलरी हो, सभी दुकानों को खोलने की आदेश दे दिए हैं। और हम लोगों ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सभी मतलब प्रिकॉशन को हमने ध्यान में रखा है। हमारी स्थिति तो आर्थिक तंगी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार की सराहना करेंगे कि जो हमें खोलने का मौका दिया, कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा हमारे, और उससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। बाजार में देखते हैं क्या है, और ऐसे मौसम में खुला है जिस समय कपड़े की बिक्री एकदम मंदी छा जाती है बाजार में। कितने दिनों तक बंद था, कैसे मतलब अभी तक ये चला? लगभग हमारी दुकानें बंद रही हैं, 54-55 दिन बाद बाजार खुल रहा है। अभी तो देखिए भैया, सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय दिया गया है सरकार की तरफ से। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अभी तो। अभी तो हम लोग को 2-3 रोज लगे हैं दुकान को साफ सफाई करने में, पूरा माल खराब हो गया हम लोगों का, उसको सेटअप कर रहे हैं। देखिए सुबह 7 बजे से हमारा स्टाफ सब लगा हुआ है, हम भी लगे हुए हैं। पिछली रात जंगली हाथियों के झुंड ने कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के गांव में जमकर तांडव मचाया था और दर्जनों घरों को तोड़ डाला और खेत खलियान चट कर गए थे। विधायक सविता महतो ने उन क्षेत्रों का दौरा किया और ग्रामीणों के बीच राहत सामग्रियों का भी वितरण किया। उधर रांची टाटा मार्ग पर निर्माणाधीन टोल ब्रिज का कार्य ग्रामीणों ने रुकवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया गया है, पर उन्हें उचित मुआवजा अब तक नहीं दी गई है। टाटा पर निर्माण होने वाले टोल ब्रिज का काम को रोक दिया गया है। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल प्रखंड के पाटा स्थित NH-33 पर बन रहे टोल ब्रिज को रूतिया पंचायत के मुखिया ज्योति महाली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने काम को रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग सड़क के चौड़ीकरण करने के लिए अपनी जमीन दी है, लेकिन उचित मुआवजा भुगतान के बगैर टोल ब्रिज का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना था कि टोल ब्रिज के निर्माण के लिए किसानों की जमीन का औने पौने दाम दिया जा रहा है। 1 बीघा जमीन का 4 गुना बढ़ाकर करीब 15,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जो काफ़ी कम है। जो बन रहा है रोड के लिए तो हम लोग जमीन दे दिए चोरी करने के लिए, लेकिन जो टोल प्लाजा बन रहा है, एक्स्ट्रा जमीन जो अधिग्रहण कर रहा है, उसमें हम लोग को बहुत कम नाव जैसा बराबर हम लोग को पेमेंट किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग असंतुष्ट है। इसमें हम लोग पैसा नहीं लेंगे और टोल के लिए जमीन नहीं। चांडिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुलगू में सड़क पार कर रहे पुजारी को तेज रफ्तार पिकअप वैन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 65 वर्षीय बुजुर्ग पुजारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। NH-33 चिलगू में आज सुबह करीब 6:30 बजे पुजारी को सड़क पार करने के दौरान पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिससे 65 वर्षीय पुजारी तारापदो चटर्जी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुयाडी गैलेक्सी कंपनी में रोजाना पूजा करने के लिए जाया करते थे और पुजारी तारापदो चटर्जी हर रोज की तरह वहाँ पहुँचे, तभी सड़क पार करने के दौरान अचानक दूसरी ओर से आ रही पिकअप वैन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ना आए होते हैं।
एक्चुअली गाड़ी मालिक की राह देख रही थी। एक्चुअली गाड़ी मालिक भी यहीं के और जो तारापद चटर्जी जी भी है जो चिल्लू के निवासी है, जो आज रोड में साइड में पार करने के क्रम में J05CN 2381408 ने टकराई, जो जिसका घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल गोलचक्कर के पास ट्रक और ट्रेलर के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के बाद सड़क करीब 3 घंटे तक अवरुद्ध रहा। सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक लंबी वाहनों की कतारें लग गई। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के चांडिल गोलचक्कर स्थित पुल पर ट्रक और ट्रेलर के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिससे NH 33 पर सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जाम रहा। इसके अलावा दिन भर रुक रुक कर सड़क पर जाम लगता रहा। जाम लगने की वजह से नारगाड़ी से लेकर जरियाडी तक करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के कारण एम्बुलेंस को दूसरे मार्ग से गुजरना पड़ा। इस दौरान मरीजों की सांसें अटकी रहीं। सूचना मिलने पर चांडिल थाना प्रभारी सनोज चौधरी सशस्त्र बलों के साथ चांडिल गोलचक्कर पहुंचे तथा काफ़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को वहां से हटाया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने का बीड़ा PDS दुकानदारों ने उठा लिया है। अब राशन लेने आने वालों को दुकानदारों द्वारा जागरूक किया जा रहा है। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में कोरोना का टीका की रफ्तार काफ़ी कम है और इस रफ्तार के कम होने के पीछे आदिवासी बहुल इलाके के लोगों का डर है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए सरकारी PDS दुकानदारों ने अब बीड़ा उठाया है। वे ग्राहकों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीका लेने के लिए प्रेरित भी करते नज़र आ रहे हैं। सारा जो 45 प्लस है उनको वैक्सीनेशन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है हमारे तरफ से। हमारे ब्लॉक के BDO मैडम, MO साहब सारे लोग लगे हुए हैं। DC साहब भी विजिट किए थे इस बार लास्ट वीक। सारे लोग को जागरूक करें कि वैक्सीन लिया जाए। जो राशन लेने आते हैं उनको आप क्या कहते हैं? उनसे पहले हम पूछते हैं 45 प्लस, जैसे राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम रहता है तो दो लोग 45 प्लस होते ही हैं, तो उनसे पूछते वैक्सीन लिए हैं कि नहीं। अधिकतर लोग ले ही लिए हैं। 21 जून को विश्व योगा दिवस है। इस अवसर पर शहर के जाने माने योग गुरु अर्जुन शर्मा ने कहा कि इस कोरोना रूपी दुश्मन को परास्त करने के लिए योगा से कारगर कोई और अस्त्र नहीं है। 21 जून को विश्व योगा दिवस है। इस दिन पूरे विश्व भर में लोग एक समयावधि में एक साथ योगाभ्यास करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी शरीक होते हैं। शहर के जाने माने योग गुरु अर्जुन शर्मा ने भी अभी से ही लोगों को जागरूक करना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना होगा और ये योगा से ही संभव है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग योगा से जुड़े। आसन भी इसको बोलते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संगठन के 5 आयाम पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, किसान पंचायत, युवा भारत, इन संगठनों ने पूरे पूर्वी सिंहभूम में घर घर में योग करने का जो योजना पहले से थी वो ऑनलाइन के माध्यम से और कुछ खास जगहों पर सीमित लोगों के बीच में बैठ करके योग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। योग करने से मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, निरोग रहता है
और इसे अपने शारीरिक स्थिति मजबूत होती है। मानसून की बारिश की अभी तो शुरुआत भर है और अभी से दिखने लगा है कि शहर की लाइफलाइन सोनरेखा और खरखाई के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है और निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मानसूनी बारिश के कारण शहर की दोनों नदियां सोनरेखा और खरखाई के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। हालांकि उड़ीसा में भी लगातार हो रहे बारिश के कारण बुधवार देर रात वैनबिल डैम का फाटक खोले जाने की सूचना के बाद निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि खरखाई नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन और NDRF अलर्ट मोड पर है। गुरुवार को जमशेदपुर वीडियो शो के साथ जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बागबड़ा के निचले इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। हालांकि अभी खरखाई नदी खतरे के निशान से नीचे है, अगर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा तो एक बार फिर से जमशेदपुर शहर को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। अभी हाल में ही यास के कारण बाढ़ झेल चुका जमशेदपुर शहर मानसूनी बारिश के कारण संभावित बाढ़ से निपटने में कितना सक्षम होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने क्षेत्र के लोगों को सावधान रहने की अपील की है। जिला प्रशासन एवं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, हमारे अंचलाधिकारी जी ने हम लोगों को सूचना दिया कि वैंगिल डैम को खोल दिया गया है। रात 10 बजे से बाढ़ आने की संभावना है तटीय क्षेत्र में, उसको लेकर आज हम तमाम हमारे पंचायत प्रतिनिधि, हम लोग जो सोशल वर्कर हैं इस क्षेत्र के, हम लोग नदी का निरीक्षण के लिए देखने के लिए आए कि पानी की क्या स्थिति है, जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। क्योंकि हमारा कुछ क्षेत्र डुबाव क्षेत्र है, थोड़ा सा नदी में पानी होने से हमारे क्षेत्र में पानी घुस जाता है, जिसको लेके आज हम लोगों ने यहाँ आज खरखराई नदी में निरीक्षण करने आया। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार पिछले कुछ समय से शहर में हैं और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निदान का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं और लोगों की समस्याओं के निदान का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह डॉक्टर अजय कुमार पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण किए, लोगों के साथ बैठकर चाय पी और लोगों की समस्याएं जानने। इस कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को बच्चों के स्कूल की फीस की समस्या, रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। ऐसे में डॉक्टर अजय ने कहा कि मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ कि स्कूल की फीस बच्चों की माफ़ हो जाए, साथ ही साथ लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारी समस्या आने की समस्या है, स्कूल के फीस की बात, स्कूल की फीस के समस्या है, लाइट की समस्या है, फिर पानी के बिजली का जो पानी के बिल का समस्या है, और फिर दुकानदार को शाम को जो नहीं खोल पा रहे हैं ठेला वाले का समस्या तो अनेक है। तो आप उसको समाधान करेंगे, उसी को लगेंगे उसमें समाधान करने के लिए एक एक करके। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता, फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158।
मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल। 18% डिस्काउंट। फ्री होम डिलीवरी। 24 आवर सर्विस। मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक्स, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। क्रीम रोल, फ्रूट केक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट, मैरिज एनिवर्सरी केक एंड स्कूल ऑर्डर स्पेशलिस्ट। प्लीज डू विजिट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन